आज कांग्रेस पार्टी ने हिंदी भवन के सामने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी एवं केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी विशेष रूप से सम्मिलित रहे। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री अमरजीत भगत भी विशेष रूप से धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने अपनी बात इस प्रकार से रखी। देखिए, जब कोई भी शासक बेलगाम हो जाए तो उनका जो निर्णय करने का क्षमता है वो समाप्त हो जाता है। जो भी निर्णय लेता है वो जनविरोधी रहता है, लोगों को दुख देने वाला। जबकि शासक को चाहिए कि जो भी निर्णय ले वो जन सामान्य में, उस लोगों से तारीफ मिले, लोगों के हित में हो। लेकिन लगातार जितने भी निर्णय ले रहे हैं माननीय मोदी जी, वो लगातार जनविरोधी है। चाहे वो छत्तीसगढ़ में केरोसिन का कोटा घटाने का हो, चावल घटाने का हो, आदिवासियों का जंगल में प्रवेश का हो, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी को सोनभद्र ज़िले में उन जो प्रभावित परिवार है, जो दुखी परिवार है, उनसे मिलने की से रोकने की बात हो। कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ अगर घटना होता है तो बैठने जाते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से भी हिंदुस्तान की जो समाज है वो इसीलिए इनका मान है और प्रतिष्ठा है सब लोगों में कि आपस में भाईचारा और प्रेम के साथ रहते हैं। सामान्य जस है कि किसी के यहाँ भी दुख होता है तो दुख बांटने लोग जाते हैं, और ऐसे में सरकार जो है किसी को जाने से रोके, किसी को हिरासत में ले ले, तो सरकार उन्माद हो गई है और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम करें, इसलिए इस प्रकार के कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस कदम का हम कड़े शब्दों में प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये तो छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय भूपेश बघेल जी की बहुत सराहनीय कदम है कि छोटे तबके के लोगों को सहूलियत देने के लिए जो ज़मीन की रजिस्ट्री है उसमें 30% तक की कमी किया गया है शुल्क में। इससे आम लोगों को राहत मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्री करा पाएंगे, उनको हक मिल पाएगा। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी अपनी बात रखी। ये पूरे देश में एक दिवसीय धरना किया जा रहा है। पेट्रोल में वृद्धि, मिट्टी तेल केरोसिन में वृद्धि, धान में 65 रुपये की वृद्धि के हिसाब से जो केंद्र सरकार है जो ऊँची हरकत, और जो है यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इसके विरोध में उल्टे सीधे कदम उठा रही है। इसके विरोध में एक दिवसीय कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। और आम जनता को बताया जा रहा है कि हम लोगों ने जिनको चुनकर भेजा लोकसभा में, वो जाकर वहाँ के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रतिदिन रोज़ कुछ ना कुछ अपने प्रदेश के लोगों को छला जा रहा है, चाहे वृद्धि के रूप में हो, चाहे और भी किसी के रूप में हो। टोटल पूरे देश की जनता परेशान है, हलाकान है।